अभी सबसे जो मुश्किल काम है विदाई, तो वो चलना है शूट करने के लिए। सुबह का टाइम ही है, बहुत जल्दी उठाया गया है ताकि मैं शूट कर पाऊँ। और विदाई इतना मुश्किल काम है, आप समझ सकते हो यार, सब कोई इमोशनल होता है, सबकी आंखें नम होती हैं। और मेरे को अभी भी याद है, मेरी दी के शादी में जब दी की विदाई हुई थी, सब कह रहे थे कोई नहीं रोएगा कोई नहीं रोएगा, लेकिन एट द एंड सब रोए और मैं भी रोया। तो चलिए चलते हैं आगे, कैसा सीन होता है वहाँ देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपको वहाँ पे। लास्ट रिचुअल है विदाई, और अभी अभी हम लोग विदाई करके, मतलब घर से विदाई करके जा रहे हैं अभी ड्रॉप करने के लिए। चश्मा मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आप समझ सकते हो काफ़ी इमोशनल सीन था, सभी रो रहे थे, तो थोड़ा रोना तो आ ही जाता है, इसलिए मैंने भी चश्मा लगा लिया। और बस अभी हम ऑन द वे हैं, दी को ससुराल ड्रॉप करके आते हैं, और कुछ सामान हमारी गाड़ी में भी है। तो इस तरीके से शादी बहुत अच्छे से, धूमधाम से, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। तो चलिए अब मिलते हैं आपको मेरी शादी में, और अगर मेरे से पहले इसने शादी कर ली ना होगा वरुण ने, तो वरुण की ना, शादी में मिलाएंगे आपको, और शादी पटना से होगी, हम ग्रैंड शादी एकदम। चलिए जहाँ भैया बोलेंगे वहाँ से होगा। अरे डेस्टिनेशन वेडिंग किया जाएगा एकदम। वैसे मेरा बहुत बहुत मन है ना यार शादी डेस्टिनेशन वेडिंग की जाए, देखते हैं। शादी देखो, शादी अरेंज मैरिज किसी को नहीं करनी, करनी सबकी, समझे? अरेंज किसी को नहीं करनी, बट होनी सबकी अरेंज ही है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।